वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं यही विश करती हूँ कि ये जो साल आया है वो हम सब के लिए बहुत बहुत हैप्पी बने और हम सब बहुत खुश रहे। तो चलिए मैं जा रही हूँ मंदिर जाकर करेंगे हम अपने ये जो ईयर आया है उसकी शुरुआत। तो लेट्स गो। फिलहाल मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो मंदिर तो हम अभी जाएंगे, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मंदिर जाने से पहले आज मैं आपको सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ से, मम्मी से मिलवा दूँ, बिकॉज उस दिन भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई थी क्योंकि बाद में तो बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले मेरी मम्मी से मिलवाऊंगी, मतलब मेरी मदर इन लॉ से। उसके बाद फिर बाद में जब मैं आफ्टरनून में मैं जब आगे जाती हूँ तो वहाँ पर दो चाची जी हैं मेरी, तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगी। तो चलो अभी सबसे पहले मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ। आओ। कहाँ पे है मम्मी? शायद किचन में है। मम्मी हाय। सो मिलो मेरी मदर से। मैं मम्मी हूँ। बहुत प्यारी ब्लॉग बना रही है। तो आप अभी क्या कर रहे हो? मैं अभी पापा के लिए नाश्ता बना रही हूँ बेटे। अच्छा अच्छा, पापा जी अभी मंदिर जाएंगे ना तो नाश्ता हाँ। करके जाएंगे तो मम्मी ब्रेड सेक रहे आई थिंक सो, राइट ना? तुम भी नाश्ता कर लो साथ। हाँ ठीक है। तो ये देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगती कि मेरी मदर इन लॉ है, शी इज सो यंग। तो लाइक करना जरूर से, अच्छा लगे इसका ब्लॉग। अभी अपने को मंदिर भी तो चलना है ना। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, हम मंदिर जाते हैं तब हम ये लेके जाते हैं। ये ओढ़ना है, चुनरी भी बोलते हैं इसे। और बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि पहले तो हम सोचे थे कि जाएंगे ही नहीं, बट फिर हम सोच रहे कि लोग तो दूर दूर से आते हैं और हम इतने पास में होके ना जाए तो फिर बालाजी अच्छा के मंदिर तो जाके आएंगे ना। तो लेट्स जय श्री बालाजी की। चलो बाय। ये हमारा लुक है। अभी मैं जा रही हूँ आगे जाके आपको मिलवाऊंगी मेरी चाची जी लोगों से, और जाके बनाऊंगी मैं वहाँ पे चपातियाँ और फिर खाएंगे हम सब मिलके खाना। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको मेरी दोनों चाची जी लोगों से। तो अभी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरी फर्स्ट वाली चाची जी से। तो ये रहे वो चाची जी, और ये बना रहे हैं अभी घी। ये घी एक्सपर्ट चाची जी है, इनके बदौलत हम घी खाते हैं घर का घी, आप देख सकते हो। ये घी है, ये बाहर निकाल रहे हैं, मतलब शायद मलाई है ये, इससे अभी घी बनेगा। ये वाले चाची जी ही बनाएंगे। मक्खन है। अच्छा सॉरी सर, मक्खन है, इस मक्खन से चाची जी अभी घी बनाएंगे। और ये वाले हैं सेकंड नंबर वाले चाची जी। ये चाची जी आंवला एक्सपर्ट चाची जी है, जो आंवला आते हैं अभी ग्रीन वाले, तो उससे है ना ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ओके सिखाई। अभी मैंने जो आपको फोर टाइप्स ऑफ आंवला दिखाया था वो चारों चाची जी का ही बनाया हुआ है, सिर्फ एक इस ग्रीन आंवले से। तो मतलब कि
हाफ तो उन्होंने बनाया था खट्टा नमक वाला आंवला, हाफ उन्होंने बनाया था चीनी वाला आंवला। तो चीनी का उन्होंने टू टाइप्स का बनाया था और एक उन्होंने बनाया था आंवला कैंडी। तो अब आपने देखा कि वो एकदम थोड़ी थोड़ी सी बची है, बिकॉज सब रोज़ खाते हैं। तो आज वो वापस से बना रहे हैं। तो आप देखो, हाफ़ में उन्होंने मिलाई है चीनी और हाफ़ में वो मिलाएंगे नमक। तो ये चीनी वाला आंवला है, ये अपने आप ही इसके अंदर से पानी आ जाएगा जब चीनी गलेगी तब। तो ये मीठा आंवला बनेगा। और ये वाला है नमक वाला आंवला, तो इसमें नमक मिलाएंगे फिर इसको सुखाएंगे। तो इस आंवला को बनाने के लिए चाची जी ने कल सबसे पहले किया था आंवला को बॉयल इवनिंग में। 15 to 20 मिनट्स बॉयल होने के बाद फिर उसे ठंडा करके उन्होंने इसे पीसेस में कट किया था। उसके बाद पीसेस में कट करने के बाद इस आंवले को उन्होंने थोड़ी देर नहीं, पूरे एक दिन तक स्प्रेड किया था। फिर आज आफ्टरनून में उन्होंने हाफ़ में मिलाई है चीनी और हाफ़ में उन्होंने मिलाया है नमक। तो व्यूवर्स, अगर आप भी ये आंवले की रेसिपी ट्राई करो तो अपना एक्सपीरियंस आप हमसे ज़रूर शेयर करना।